Subscribe now for all the latest and trending updates. बिग बॉस सीजन 14 की कंटेस्टेंट और खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 का हिस्सा रही निक्की तंबोली ने हाल ही में जैस्मीन भसीन की बिग बॉस ओटीटी एंट्री पर बहुत बड़ा बयान दिया है, रिएक्शन दिया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने बताते हैं आपको, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इंटरनेट न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। निक्की तंबोली को हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था। यहाँ पर निक्की अपने बिंदास अंदाज में नजर आई, काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, ब्लैक कलर के टॉप और रग्ड जीन्स में। साथ ही साथ यहाँ पर निक्की तंबोली से जब पूछा गया कि आपको पता है क्या जैस्मीन के आने की खबरें आ रही हैं बिग बॉस ओटीटी के घर के अंदर, इसके बारे में निक्की तंबोली कहती हुई नजर आई, अगर ऐसा है तो सच में वाओ, बहुत अच्छा होगा, बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा, एकदम धमाका। जी हाँ, निक्की तंबोली ये कहती हुई नजर आईं जैस्मीन भसीन की अनकन्फर्म्ड बिग बॉस ओटीटी एंट्री पर, क्योंकि अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ है कि जैस्मीन ओटीटी के अंदर जा रही हैं या नहीं। वैसे आपको हम ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि खबरें इस तरह की हैं कि अली गोनी, जैस्मीन भसीन और राहुल कृष्ण वैद्य तीनों घर के अंदर जा सकते हैं एक स्पेशल टास्क के लिए, जैसे कि हमने आपको पहले भी खबरों के ज़रिए बताया था। जैसे ही कोई अपडेट आती है हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे, क्योंकि भाई इस बार गेस्ट के आने का सिलसिला जारी रहेगा बिग बॉस ओटीटी के घर के अंदर। जैसे कि 15 अगस्त 7 PM सिडनाज आ रहे हैं सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल। क्या कहना चाहेंगे आप इन सब पर, हमें नीचे कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय ज़रूर बताएं और इस तो अपडेट्स के लिए जुड़ रही हमारे चैनल इंटरनेट न्यूज़ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स।